मैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव आपके पास पहले आना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति को आप बहुत करीब से देखते हैं, क्या लगता है आपको जो हालात बन रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जिस तरह वोटों का बिखराव रोकने की एक मुहिम चल रही है, क्या लगता है कि भविष्य में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी साथ साथ आ सकती है, या दोनों की राहें अलग अलग होंगी, और अगर अलग अलग होंगी तो नुकसान किसका ज्यादा होगा? शुक्रिया संजय जी। निश्चित रूप से ये उत्तर प्रदेश के सियासी पहलू के लिहाज से बहुत अहम सवाल है, क्योंकि एक बार गठबंधन हो चुका है। यानी पिछले विधानसभा चुनाव में, जब 2017 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होने के बावजूद एक बड़ा कदम उठाते हुए राहुल गांधी के साथ गठबंधन करते हैं, चुनाव में जाते हैं और एक एक बुरी शिकस्त उनको मिलती है। इसके बाद 2019 के चुनाव में, जब लोकसभा के लिहाज से वो एक बड़ा कदम फिर से उठाते हैं, बसपा और सपा का गठबंधन होता है, और उसका भी परिणाम कोई बहुत उत्साहवर्धक उनके लिए नहीं रहा। मुझे लगता है कि इसलिए अखिलेश यादव शायद इस रणनीति पर काम कर रहे हैं कि बड़े दलों के गठबंधन से वोट प्रतिशत जो शिफ्ट होता है वो नहीं हो पा रहा है, जो आरोप खुद अखिलेश यादव पर बसपा प्रमुख ने लगाए भी कि बसपा को भी वोट शिफ्ट नहीं हुआ समाजवादी पार्टी का, पर दोनों को बुरी हार झेलनी पड़ी। तो ये एक 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 अतीत रहा है जो चंद 5 वर्षों का है, लेकिन बीते दिनों में जो सियासी परिदृश्य पर दिखा है, एक तरफ समाजवादी पार्टी अपने लेवल पर मुकदमे भी झेल रही थी, उनके कार्यकर्ता लाठी भी खा रहे थे, और वो एक नाराजगी लोगों की थी कि अखिलेश यादव सड़क पर नहीं उतर रहे। बाद में अखिलेश यादव सड़क पर भी उतरते हैं, लेकिन समानांतर प्रियंका गांधी की सक्रियता उत्तर प्रदेश को एक नए ढंग से देखने पर मजबूर करती है, और प्रियंका गांधी लगातार उन मुद्दों पर भी मुखर रही है जिसको लेकर के आमतौर पर लोग बच रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर अहम सवाल ये बन जाता है कि कैडर वोटिंग में, जब पन्ना प्रमुख का काम बीजेपी करा रही हो, अपने प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष को बूथ के मैनेजमेंट के लिए लगाया जा रहा हो, वहां कांग्रेस पार्टी के सामने एक चुनौती है कि जमीनी स्तर पर उनका कैडर कितना मजबूत है, वो कितना वोट दिलाने में अहम भूमिका निभाता है। इसी से तय होता है कि आप गठबंधन किससे करते हैं। जैसे ओम प्रकाश राजभर हो या जयंत चौधरी हो, ये लोग भी कमजोर पार्टियां, छोटी पार्टियां, लेकिन उनका असर जमीन पर दिखता है, इसलिए उनके साथ गठबंधन सहजता से हो जाता है। और कांग्रेस को लेकर के एक एक असहजता समाजवादी पार्टी में है। देखना दिलचस्प होगा कि इसके बावजूद क्या वो दोनों लोग एक होकर के चुनाव लड़ते हैं या नहीं। लक्ष्मण जी, मैं ये जानना और चाहूंगा आपसे कि अगर मान लीजिए दोनों अलग अलग लड़ते हैं, कांग्रेस भी लड़ती है और समाजवादी पार्टी भी लड़ती है, तो नुकसान किसका ज्यादा होगा? मेरा आकलन तो ये कहता है कि नुकसान भारतीय जनता पार्टी का होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का जो कोर वोटर रहा है, एक जमाना था जब 1980 के पहले तक कांग्रेस पार्टी वह पार्टी हुआ करती थी जिसको बियॉन्ड द कास्ट एंड बियॉन्ड द रीजन एक बहुत बड़ा तबका पूरे भारत में कांग्रेस पार्टी को वोट किया करता था। लेकिन धीरे धीरे जब राजनीति बदली है, तमाम वे आवाजें जिन्हें परिधि पर धकेल दिया गया था, उन्होंने अपनी सियासी भूमिकाएं मजबूत की हैं और अपना वोट बैंक सुनिश्चित किया है। ऐसे वक्त में जब कांग्रेस पूरे राष्ट्रीय फलक पर एक चुनौती के दौर से गुजर रही है, उसे सबसे ज्यादा चुनौती भी उत्तर प्रदेश में झेलनी पड़ रही है और सबसे ज्यादा संभावनाएं भी शायद वो उत्तर प्रदेश में तलाशती हुई नजर आ रही है। इसीलिए प्रियंका गांधी अपने सियासी सफर में मजबूत कदम के रूप में उत्तर प्रदेश में दाखिल होती है। लेकिन अगर ये दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ती हैं और पोस्ट पोल अलायंस टाइप का कुछ अगर बनता है या कुछ भी ऐसा बनता है, तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के अलग लड़ने से समाजवादी पार्टी का कोई नुकसान होने वाला है या कांग्रेस के अलग लड़ने से खुद कांग्रेस का कोई नुकसान होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस का अपना वोट बैंक भी तो कंसाइज होगा, वो अपनी भी तो कुछ गेन ही करेगी। कांग्रेस अगर अलग से लड़ती है तो वो कुछ ना कुछ हासिल ही करेगी, लेकिन अगर कांग्रेस दमदारी से लड़ती है तो मुझे लगता है कि नुकसान भाजपा का होना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है।